जनपद मुजफ्फरनगर में मिलन विहार स्थित जैन मंदिर में भारतीय जैन मिलन समाज के द्वारा 75वें अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त के मौके पर एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या पहले ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद ही छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गानों पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को जैन समाज द्वारा सम्मानित किया गया। प्राइम टेक न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट, पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। जी सर, आपका नाम? मैं सुवे जैन ऋतुराज, राष्ट्रीय विशिष्ट संरक्षक, भारतीय जैन मिलन। सर, आज क्या कार्यक्रम? देखिए, आज पूरा देश जो स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिवस का 75वां जो ये अमृत महोत्सव है उसको मना रहा है। सभी मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान पूरे देश में किया कि 3 दिन सभी के घरों पर, सभी के प्रतिष्ठानों पर ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सब जगह फहराए। और उसके पीछे भावना केवल ये है कि सबके मन के अंदर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की एक भावना जागृत हो। देखिए, आज 75 साल देश की आज़ादी को हो गए। हम अगर हम पूर्व में जाएं तो मुगलों का 331 वर्ष का शासन रहा, अंग्रेजों का 190 वर्ष का शासन रहा। ये जो हमें देश की आज़ादी मिली, ये ऐसे नहीं मिली, बहुत ज़्यादा कुर्बानी बलिदान देने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन 75 साल बीतने के बाद आज जो हम जैसे आयु के जितने लोग हैं वो सब धीरे धीरे अब एक तरह से एक पंक्ति खत्म होने जा रही है। आज पूरे देश के अंदर सर्वेक्षण जो किया गया है, लगभग 60% इस समय युवा है। तो उसी नाते आज भारतीय जैन मिलन जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर मेन ने ये आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। केवल भावना ये है कि हम उनके अंदर ये हम उनको जागृत कर सकें राष्ट्रभक्ति की भावना, और ये बता सकें, क्योंकि आज जो नई युवा पीढ़ी है उसको नहीं पता कि 75 साल पहले क्या हुआ था। तो जो 75 साल पहले जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो नाम से जानते हैं, कितने हजारों लोग ऐसे हैं जिनको जानते ही नहीं हैं। तो उन सब के प्रेरणा हम सबको मिले, जो हमारा युवा वर्ग है वो विशेष तौर से जो धरोहर उन्हें मिली है, जो उनको ये विरासत मिली है वो ठीक प्रकार से संभाले। इस नाते आज जैन मिलन में मुजफ्फरनगर मेन ने ये युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर, साथ ही वो मेधावी छात्र भी हैं, हमने इस अवसर पर उनको पुरस्कृत भी यहाँ पर हम कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा यही है कि हम मुख्य धारा से हमारे जैन समाज के जितने युवा हैं, जैन समाज ने, भारतीय जैन मिलन ने यह आह्वान भी किया था कि पूरे देश में सभी जितने जैन समाज के घर हैं वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगे। इसके साथ ही हमने ये भी आह्वान किया था कि जो युवा हैं वो मुख्य धारा से जुड़े। उस नाते आज का ये विशेष आयोजन किया गया है, इस नाते हम सब लोग आएंगे।